सभी 11वीं के दोस्तों को मेरा प्यार भरा बायोलॉजिकल नमस्कार। दोस्तों आज हम अलगी के कुछ कैटेगरीज को पढ़ रहे हैं। अलगी जो है पूरी दुनिया में छाई हुई है। अलगी के तीन कैटेगरीज पढ़ते हैं, एस क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी, माने ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी। दोस्तों ये तीनों अलगी पानी के तीनों प्रकारों में हमें दिखते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और ब्रैकिश वाटर, माने सेमी सॉल्टी वाटर। मराइन वाटर माने द समुद्र और महासागरों का पानी, और फ्रेश वाटर नदी तालाब, इसका जो पानी है जमीन के ऊपर का पानी, दैट इज इनलैंड वाटर, इज द फ्रेश वाटर। दोस्तों आज हम देखेंगे व्हाट इज फ्यूफाइसी एंड रोडोफाइसी, स्पेशली व्हाट इज द फ्यूफाइसी। फ्यूफाइसी ये जो अलगी है स्पेशली सबसे ज्यादा इट इज फाउंड इन मराइन वाटर। मराइन वाटर माने जो समुद्र का पानी है उसमें ये अलगी सबसे ज्यादा मिलती है। फ्यूफाइसी माने ब्राउन अलगा। फ्यूफाइसी इज फाउंड इन मराइन वाटर एंड फ्यूफाइसी के कुछ लक्षण ऐसे हैं कि फ्यूफाइसी में देर इज नो यूनिसेलुलर फॉर्म, सभी के सभी मल्टीसेलुलर है। नो यूनिसेलुलर फॉर्म इज फाउंड, नो यूनिसेलुलर फॉर्म, ऑल आर मल्टीसेलुलर एंड दिस इज द लार्जेस्ट यूनी लार्जेस्ट एंड जाइंट फॉर्म ऑफ द अलगी। ये सबसे बड़ी विशाल का है, बहुत बड़ी अलगी। इसके कुछ मेंबर दोस्तों कैल्प्स जैसे, कुछ मेंबर ऐसे हैं सार्गासम जैसे, जो 100 मीटर तक जा सकते हैं पानी की गहराइयों में। ये 100 मीटर तक भी बढ़ सकते हैं, और इसीलिए ये जो ब्राउन अलगी है कई समुद्र के जीव का आसरा भी है, खाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, रहने के लिए ये महासागरों में अपना एक जो है ना वो हैबिटेट देते हैं कई जीवों के लिए, मछलियों के लिए और मराइन एनिमल्स के लिए। इट इज यूज्ड एज अ शेल्टर होम, इट इज यूज्ड एज अ प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन, ऑल्सो एज अ फूड। वो तो जीव समुद्र के जीव है, लेकिन हम भी मनुष्य भी इसको एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ब्राउन अलगा के कुछ अपने प्रॉपर्टीज है जिसको हम देखने जा रहे हैं। ब्राउन अलगा का जो प्लांट बॉडी है, इसके कुछ लक्षण इस तरह से है कि प्लांट बॉडी रूट जैसा, स्टेम जैसा और लीफ जैसा स्ट्रक्चर बताता है, जो है ना ये जस्ट प्लांट बॉडी ऑफ द फ्यूफाइसी शो थ्री पार्ट्स एज द होल्ड फास्ट द स्टाइप एंड द फ्रॉन्ड। ऐसे तीन पार्ट, तीन हिस्से इसके शरीर के पड़ते हैं, इसके ब्राउन अलगी के, फ्यूफाइसी के शरीर के, बॉडी के तीन पार्ट्स पड़ते हैं एज द होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। होल्ड फास्ट जो है दोस्तों ये हिस्सा इट इज जस्ट लाइक रूट्स, यू कैन सी हमारे जनरल प्लांट्स में जिस तरह से रूट, स्टेम और लीफ होते हैं, शरीर के तीन हिस्से पड़ते हैं हमारे जनरल प्लांट्स के, ठीक वैसे ये जो फ्यूफाइसी है, ब्राउन अलगा है, उसके बॉडी पार्ट जो है, बॉडी पार्ट्स तीन हिस्सों में बटे हैं, जैसे कि दिस इज होल्ड फास्ट, दिस इज द स्टाइप, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, होल्ड फास्ट, इट इज रूट लाइक, नॉट द रूट, डोंट कंफ्यूज, ये रूट सही रूट नहीं है, ये प्लांट विदाउट ऑर्गन से, इसीलिए ट्रू रूट्स इसके पास होने का कोई सवाल नहीं है दोस्तों। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जो इस प्लांट को एंकोरेज देगा होल्ड फास्ट टू द सबस्ट्रेटम और इन द ओशियन एंड सीज, ये पकड़ के रहेगा बॉटम को। ये स्टाइप इज स्टेम लाइक पार्ट, दिस इज स्टेम लाइक पार्ट एंड इसके ऊपर होगा देयर इज द फ्रॉन्ड, जो है ना वो फ्रॉन्ड जो है इट जस्ट वर्क्स एज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूफाइसी, दिस इज फ्रॉन्ड इज फोटोसिंथेटिक, इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूफाइसी ब्राउन अलगा, लीफ लाइक। तो दोस्तों जो ब्राउन अलगी है उसके शरीर के तीन हिस्से पड़ते हैं, कौन से वाले तीन हिस्से, एक बार बोलो, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड।
holdfast is a root-like structure. Stipe is a stem-like structure and the frond is leaf-like structure. तो किसी ने पूछा भाई बताओ इसमें से फोटोसिंथेटिक हिस्सा कौन सा है, तो बताना फ्रॉन्ट इज द फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द ब्राउन अल्गा. तो ये ब्राउन अल्गा जो है फ्यूफाइसी, इसके बॉडी पार्ट से तीन हैं, कौन से वाले, होल्डफास्ट, टाइप एंड फ्रॉन्ट. नाउ लेट अस सी कि इसका जो ब्राउन कलर है वो क्यों है और ये फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, हाउ इट जस्ट परफॉर्म्स द फोटोसिंथेसिस. इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से हैं, what are the different photosynthetic pigments, iske photosynthetic pigments kaun se hai, iske color kaun se hai. to dosto iske photosynthetic pigments mein aata hai chlorophyll a, chlorophyll c, you know chlorophyll b is absent, baki carotene aur xanthophyll, ye bhi kuch common pigments hai, xanthophylls. इसमें ज़ैंथोफिल जो है वो फ्यूकोज़ैंथिन के फॉर्म में आता है, फ्यूकोज़ैंथिन. ये फ्यूकोज़ैंथिन जितना ज्यादा या जितने परसेंटेज में है उतना इसका कलर जो होता है ना ऑलिव ग्रीन कलर बनता है. द कलर्स आर डिपेंडिंग ऑन दिस फ्यूकोज़ैंथिन, यू कैन सी. तो कलर्स ये पिगमेंट्स पे डिपेंड करते. तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से है, इट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, यू नो सॉरी क्लोरोफिल सी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल. ये बड़े प्लांट्स के भी कलर्स हैं, फोटोसिंथेटिक कलर, और इन्हीं का इस्तेमाल करके ये प्लांट खुद का खाना खुद बनाती है, माने फोटोसिंथेसिस करती है. तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी नॉट बी, बी इज अब्सेंट, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, खासतौर पर ज़ैंथोफिल फ्यूकोज़ैंथिन के फॉर्म में प्रेजेंट है. दोस्तों इस प्लांट में स्टोर्ड फूड भी प्रेजेंट है, स्टोर्ड फूड. इसका जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है, स्टोर्ड फूड है, इट इज यू नो लैमिनेरियन स्टार्च, लैमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में इसमें फूड स्टोर होता है. फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरियन स्टार्च, बरोबर. एक और चीज कि ब्राउन अल्गा माने फ्यूफाइसी जो है उसके सेल पे, वेजिटेटिव जनरल सेल जो होती है, not sex cell I'm talking about, vegetative cell, माने general body cell, brown alga की general body cell, brown alga की general body cell, मान लो this is the general body cell, तो ये रहा उसका you know cell membrane, ये nucleus है, cell membrane, plasma membrane, उसके ऊपर एक कवच आया cellulogic cell wall, मान लो this is the cellulogic cell wall, ये cellulogic cell wall है, cellulogic सेलवाल, यू नो इसके ऊपर, इस सेलुलोजिक सेलवाल के ऊपर और एक हाइड्रोकोलाइड का कवच होता है, ये वाला, और इसका नाम है अल्गीन, विच इज हाइड्रोकोलाइड. हाइड्रोकोलाइड अल्गीन नाम का ब्राउन अल्गी के सेलवाल के ऊपर का एक कवच है, जिससे हमेशा दिस सेल विल रिमेन वेट, मॉइस्ट. In any condition, it will not be out of water. Then also, this can hold the water. It is a hydrocolloid. वो एक hydrocolloid है, एक किस्म का hydrocolloid है. This is the structure of a vegetative cell of, you know, फ्यूफाइसी ब्राउन अल्गा का जो vegetative cell है, vegetative cell का मतलब होता है general body cell. General body cell इस तरह का है. दोस्तों इसमें reproduction तीनों तरीके से होता है. सबसे ज्यादा जो रिप्रोडक्शन के तरीके हैं वो है एक फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन हम क्या बता रहे, द रिप्रोडक्शन ऑफ ब्राउन अल्गा टेक्स प्लेस बाय थ्री वेज, फ्रेगमेंटेशन. नंबर दो, इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड तीसरा इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दोस्तों जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें तो अगर टुकड़े होते हैं शरीर के, तो हर टुकड़े से एक कॉलोनी बन जाती है, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं. इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेट स्पोर्स से होता है. किससे होता है,
बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स, यू नो बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स से इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दोस्तों ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि नीट में जब क्वेश्चंस पूछते हैं ऐसे बारीक सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज द स्पोर ऑफ यू नो दिस पर्टिकुलर ब्राउन अल्गा, आपको पता होना चाहिए क्लोरोफाइसी का जो स्पोर है वो बायफ्लैजिलेट नहीं यूनिफ्लैजिलेट है और जो रुडोफाइसी का स्पोर है वो नॉन फ्लैजिलेट है, इसका बायफ्लैजिलेट। फियोफाइसी का जो स्पोर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला स्पोर इट इज बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर, कौन सा है दोस्तों बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर, दिस इज यू नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, स्पोर इज बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर। नाउ व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ब्राउन अल्गा, दोस्तों इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीनों तरीके से होता है, एज यूजुअल यू नो बेटर आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन तरीके, एज द आइसोगैमी, आइसोगैमी यू नो एनिसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ओगैमी, व्हाट इज दैट ओगैमी, ये रहे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन तरीके। तो दोस्तों ये हुए हमारे रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ब्राउन अल्गा, रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन तीन है, इट इज फ्रेगमेंटेशन माने शरीर के टुकड़े होना, हर टुकड़े से कॉलोनी बनना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोर, स्पोर इज द बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यूजुअल इज ऑफ थ्री टाइप्स आइसोगैमी एनिसोगैमी एंड ओगैमी। दोस्तों फियोफाइसी माने ब्राउन अल्गा जो है, अब उसका हम एग्जांपल्स कुछ देखेंगे, लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द ब्राउन अल्गा, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फियोफाइसी, फियोफाइसी के एग्जांपल्स कौन से हैं, यू नो एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस लैमिनेरिया, बरोबर लैमिनेरिया, सर्गेसम, सर्गेसम इनको हम कैल्प्स बोलते हैं, सी कैल्प सी बीड, बहुत जायंट होते हैं दोस्तों, सर्गेसम हम भी इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड, न्यूट्रिशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कई बाकी चीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस लैमिनेरिया, सर्गेसम, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फियोफाइसी, दिस इज ऑल अबाउट द फियोफाइसी। जय हिंद, थैंक यू।